अभी क्या करना है इसमें? इसको ठीक करना है। ठीक करना है? अभी तो तू कह रहा टाके लगाने हैं। टाके लगाने हैं। टाके लगाने हैं ऐसे तार में? कल भी लगवा के ले गया था लेकिन वो मेरे भाई ने तोड़ दिया। और पहले भी लगवा के ले गया था? वो तो जो मेरा भाई था ना बड़ा वाला। कितने पैसे लाया? 50 रुपए। चुरा के लाया ना घर में से? नहीं पापा ने दिया, पापा हर रोज देते हैं। अबे इस पे तो लिखा है ये चोरी का नोट है, देख लिखा है, देख ये चोरी का नोट है। नहीं चुरा के लाया। अरे गांधी जी तो सारे नोट पे छप रहे हैं, चूरन वाले पे भी छप रहे हैं, इस पे लिख रहा है छोटा छोटा चोरी का नोट। नहीं नहीं है तो। ये तेरे पापा ने साइन करके रखा है अपने कि ये मेरा नोट है, तू चुरा के लाया। नहीं पापा ने दिया। पापा ने दिए? भैया विद्या पढ़ाई कसम। अच्छा तो फिर क्या करूँ इसका बता। तो कल जुड़वा के परसों जुड़वा के लेगा तब टूट गए, अब जुड़वाने आया है, कल भी जुड़वाए थे तूने फिर टूट गए, और अब फिर जुड़वाना है। कितने पैसे क्यों खर्च कर रहा है? अब नहीं खर्च करूंगा पापा से बोल दिया। ऐसे तेरे को शौक है इस चीज का? शौक है इस चीज का? देखो देखो इसने दोस्तों क्या कर रखा है, इस डब्बे में स्पीकर लगा के बच्चे ने ये स्पीकर लगा के ब्लूटूथ बॉक्स बनाया है। एक स्पीकर यहाँ, एक स्पीकर यहाँ और एक स्पीकर यहाँ लगाएगा। अब ये 3 स्पीकर चलाएगा जी ब्लूटूथ बोर्ड से, ठीक है। अब दोस्तों मैं जो है आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि इन बच्चों के टाँके कभी नहीं टूटेंगे, ये बच्चों के हिसाब से बता रहा हूँ। और जो बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी ध्यान से देख लें टाँके कैसे लगा लें। तो चलते हैं अब हम अपनी वर्किंग टेबल की ओर, अब देखिए मैं कैसे बताता हूँ, चलते हैं वर्किंग टेबल, ठीक है। अब ऐसे टाँके लगाऊंगा तेरे कभी नहीं टूटेंगे, ओके। तो बोल दे चैनल सब्सक्राइब कर लो भैया का। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल OPL इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, सोल्डरिंग करने से पहले किसी भी स्पीकर को चेक करना है। कैसे? अब बच्चों के लिए प्रोजेक्ट बन रहा है तो बच्चों के हिसाब से बताऊँगा। इस मल्टीमीटर को मैं साइड में करता हूँ अभी, ठीक है। मल्टीमीटर का यूज़ नहीं करूँगा मैं, यूज़ करूँगा एक सेल का। सेल पर लगाएंगे अपनी लीड, सेल पर अपनी मल्टीमीटर की लीड लगाएंगे, या कोई भी तार ले सकते हैं आप, या मैं तार से बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा क्योंकि बच्चों के हिसाब से प्रोजेक्ट है तो बच्चों के हिसाब से बताएंगे। एक तार लेंगे और ऐसा सेल लेंगे, एक किनारा यहाँ लगाया और ये दो सिरे हो गए, स्पीकर पर लगाएंगे देखिए ऐसे, और इसको देखेंगे स्पीकर ठीक है कि नहीं। अगर हमारा स्पीकर ठीक हुआ तो टुक टुक की आवाज़ आएगी इसमें, देखिए ठीक है, समझ गए ना आप। और अब दूसरा चेक करते हैं, ऐसे ही यहाँ लगाएंगे, इसमें भी आ रही दोस्तों क्योंकि छोटा है तो कम आवाज़ आएगी। और ये देखिए अब इसमें लगाता हूँ मैं। तो साथियों इस प्रकार से आपने स्पीकर चेक करना सीख लिया, ठीक है। एक स्टेप कंप्लीट हो गया, अब देखिए इस पर सोल्डरिंग करेंगे। अब जो बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और मैकेनिक भाई अगर कोई देख रहा है तो वो भी देखें, क्योंकि जब बच्चे आपके पास सोल्डरिंग कराने आते हैं तो आप उनको धुतकार के भगाइए नहीं, उनका हौसला बढ़ाइए, क्योंकि आने वाला फ्यूचर यही है। जब इनको इलेक्ट्रॉनिक में इंटरेस्ट होगा तभी तो ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सीखेंगे और दिलचस्पी इनकी बढ़ेगी। तो प्लीज़ आप इनकी हेल्प कीजिए, तो उसी नाते से मैं ये इनकी हेल्प कर रहा हूँ। और देखिए अब क्या करेंगे आप, अब होगा ये कि हम जो है ना यहाँ पे सोल्डरिंग करेंगे। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ और समझ लीजिए आप साथियों, बच्चे जो भी देख रहे हैं, इसमें क्या है स्पीकर में भी प्लस और माइनस होता है। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे अगर इस तरह स्पीकर रखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका माइनस होगा सब में, और राइट हैंड साइड यानी सीधे हाथ की तरफ प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये ब्लैक वाली वायर मैंने ली और यहाँ लगाता हूँ स्पीकर पे, देख रहे हैं ध्यान से आप, और ये सोल्डरिंग कर दी। ये सोल्डरिंग हो गई। अगर सोल्डरिंग करने में दिक्कत हो तो दोस्तों सबसे पहले आपको तार के ऊपर ही सोल्डरिंग कर लेनी है एक बार। कई बार क्या होता है तारे हमारी आजकल डुप्लीकेट वायर आ रही है चाइना की तो सोल्डरिंग नहीं पकड़ती, पहले सोल्डरिंग वायर के ऊपर कर ली मैंने, अब यहाँ लगा दी। अब ये हमारी सोल्डरिंग हो गई। लेकिन होगा क्या साथियों, अब ये बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तार जोड़ते हैं हटाते हैं तो वायर फिर टूट जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको तार को यहाँ से यहाँ गीठा लगानी है, एक बच्चों के हिसाब से बता रहा हूँ, और बच्चों ज़रा ध्यान से देखो। और इस तार को दोस्तों ऐसे बांध देना है अपने स्पीकर के साथ, इस प्रकार से क्या होगा आपका जो है सोल्डरिंग वाले एंड से तार टूटेगी नहीं और बच्चों को एकदम मजबूत
देखिए अब तार टूटेगी भाई? नहीं टूटेगी ना, देखो बच्चा बोल रहा है नहीं टूटेगी। इसी प्रकार से मैं इन सब पे सोल्डरिंग कर रहा हूँ। आप जरा फास्ट फॉरवर्ड में इस वीडियो को देखेंगे। सबसे पहले सारी तारों को छीलते हैं। ये नेगेटिव वाले माइनस वाले पॉइंट पर और ये प्लस वाले पॉइंट पर। और उसी प्रकार से साथियों इसको भी हम क्योंकि दोस्तों आज मेरी तबीयत खराब है, मेरे को जुकाम खांसी हो रहा है, तो 2-3 दिनों से मैं काम कर नहीं पा रहा हूँ, तो आज थोड़ा तबीयत ठीक होने के बाद मैं आया हूँ। और देखिए इस प्रकार से दोस्तों ये हो गई। अब साथियों करना है क्या है, इन सिरों को छील लेना है। अब ये बच्चे जो है ये 3 स्पीकर का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ इनको। अब ये तो पैरेलल में ही लगाएंगे, सीरीज और पैरेलल अभी इसको समझ में नहीं आएगा बच्चों को, तो फिलहाल मैं इसी हिसाब से इनको देखता हूँ। ये काली काली तार मिला लेंगे, काली काली तार मिला के एक सिरा बना लेंगे। अगर ये इनका जो बोर्ड है साथियों वो एक सिंगल स्पीकर वाला है, तो उसी हिसाब से मैं इसको लगा रहा हूँ। ये है दोस्तों इनका मेन बोर्ड। अब देखिए स्पीकर वाला पॉइंट वाइट है और रेड वाला है इसका सप्लाई का। देखिए इस पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे ध्यान से, तो ये देखिए इस पर लिखा है SP, इस पर लिखा है BAT और GND। जिस पर BAT लिखा है ना वो है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और जिस पे GND लिखा है वो है नेगेटिव टर्मिनल माइनस वाला, ठीक है। और ये है इनकी बैटरी जो कि मैंने पहले ही एक सोल्डरिंग कर दी थी, तो मैं इसका भी तरीका आपको बता देता हूँ बैटरी पे किस प्रकार सोल्डरिंग करनी है। जैसे मैंने एक बैटरी लेके आया हूँ एक्सपेरिमेंट के लिए। अब साथियों ध्यान से देखेंगे, ये हमारी बैटरी का ये वाला पॉइंट जो है ये प्लस होता है, यानी बैटरी प्लस, और ये GND यानी माइनस पॉइंट। तो अब इसका कनेक्शन कैसे करना है आपने, अब देखिए इनके पास बच्चों के पास तार नहीं है, तो ये तार मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ इनको। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि हमारे रेड वाले सॉकेट में जानी है, कहीं गलती से हम इसमें ना लगा दें, नहीं तो हमारा बोर्ड ख़राब हो जाएगा। तो पहले इसको मैं रेड कर लेता हूँ। ये मैंने रेड मार्कर ले लिया और इसको कर देता हूँ रेड। इस प्रकार से पूरे को रेड कर दूँगा ताकि हमें समझ में आ जाए कि यह रेड हो गया। कोई क्योंकि ये बच्चों को सिखा रहे हैं, तो बच्चों को तरीके से सिखाना पड़ता साथियों। या अगर आप कोई और है तो उसमें आप इसमें गीठा वगैरह बांध सकते हैं, टेप लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे साथियों, अब सबसे पहले देखेंगे हमारा पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। इस प्रकार लीड को लगाएंगे पहले और देखेंगे बैटरी किस पे लिखा है। BAT बैट, देखिए इस पे लिखा है ना BAT बैट, ठीक है। और ये है हमारी पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव पर जाएगी, बैटरी के पॉजिटिव वाले पॉइंट पर लगाएंगे इसको। ये प्लस है, और ये है माइनस। और दोस्तों ये बैटरी की तार ये बच्चे फिर कल तोड़ेंगे, तो उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन ये है, उसका सोल्यूशन है सेलो टेप। क्योंकि बच्चे प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं घरों में स्कूलों में, तो इस प्रकार से इसका ये टेप लगाएंगे। सेलो टेप दोस्तों बेस्ट रहेगी क्योंकि ये जल्दी से छूटती भी नहीं है। ऐसे लगाएंगे सेलो टेप, ठीक है, फिर ऐसे घुमाएंगे इसको यहाँ, और यहाँ पर भी सेलो टेप लगा देंगे थोड़ा सा लूज छोड़ के, ताकि हमारी तार अगर खिंच भी जाए गलती से तो हमारा नुकसान ना हो दोस्तों। इस प्रकार से सेलो टेप से इसको मैं कर देता हूँ फिक्स। और ये बैटरी हमारी तैयार हो गई दोस्तों, ठीक है। इसको मैं साइड करता हूँ और आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ। अब साथियों क्या करेंगे, अब ये जो आपका दूसरा कनेक्टर है ये वाला कनेक्टर स्पीकर वाले पॉइंट में लगाना है ये हमें, और इनकी तीनों की तारों को अलग से छीलना है इसको। और एक प्लस बना देता हूँ और इसको कर दूंगा टेप, और एक ये माइनस। सबसे पहले बैटरी रेड में रेड, और ये प्लस, और ये कर दिया ऑन। ऑन क्यों नहीं हुआ,
देखते हैं क्या गड़बड़ हुई, चेक करता हूँ। ये देखिए ये तार टूट गई ना, तो दोस्तों इस तार को मैं दोबारा सीलूँगा और अच्छी तरह इसको इसके साथ ट्विस्ट करके जोड़ दूँगा ताकि आगे से कोई दिक्कत ना हो। इसी प्रकार से बच्चों आपको भी चेक करना है। ये जोड़ देता हूँ तार और फिर मैं आपको चेक कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, हो गया ऑन। पेन ड्राइव चला दूँ इसमें? तो साथियों अब मैं इसको आपको पेन ड्राइव लगा के ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ध्यान से। Welcome to the Boss Music World. Play by USB drive. इस प्रकार ये हमारा सेट ओके हो गया और इसको फिट करने के बाद हम लगा देंगे टेप, क्योंकि अभी बॉक्स में लगेगा ना, इस डब्बे में लगेगा, तो बच्चे अपने आप इसको फिट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और जो जो बच्चे देख रहे हैं सब अपना अपना नाम लिखेंगे कमेंट में और मुझे बताएंगे कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू, एक लाइक कर दो। दोस्तों ये बच्चा अपना स्पीकर बड़ी तेज़ी से ठीक करके लाया, अगर सबसे तेज़ यही है, बड़ा वो कहते हैं ना कहावत है बड़ा ही तेज़ चैनल है। ये देखो इसने फिट कर दिया अपना स्पीकर, किस तरीके से करा है तो देखिए, अंदर रखा है बोर्ड, बोर्ड कहाँ भाई, ओ बोर्ड भी अंदर डाल दिया दोस्तों। देखिए बैटरी भी देखिए अभी आपको दिख रही होगी, देखिए बैटरी कैसे फिट कर दी, तीनों स्पीकर उसमें लगा दिए कटिंग करके। खोलो जरा ढक्कन खोलो एक मिनट, ये देखो देखो दोस्तों तीनों स्पीकर लगा दिए, बोर्ड अंदर डाल दिया, अभी बोर्ड की फिटिंग इसको आती नहीं है शायद, इसलिए इस तरह फिट करा है। देखिए अच्छा तुझे कैसा लगा काम? बहुत अच्छा लगा। आप पैसे चुरा के लाया था ही? मम्मी से मांग के लाया था? मम्मी से मांग के लाया था मैं। 50 रुपए दे दी तेरी मम्मी ने? हाँ। बहुत प्यार करती है तेरे से। कौन सी क्लास में पढ़ता है? चौथी। ओह वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे। कीप इट अप, ऑन करके दिखाओ, ऑन करके दिखाओ। वेलकम टू द बॉस म्यूजिक वर्ल्ड, ब्लूटूथ मोड। बॉस का स्पीकर बना दिया दोस्तों, तब बोल दो तुम, अब कुछ बोलना तुम्हें? अगर इस चैनल पर नए हो तो बनते रहना और जो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर नई नई वीडियो देखनी है तो हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाएंगे मज़ेदार, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू, वेलकम।